एक चार्ज जब प्रोड्यूस होता है तो उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा, लेकिन वही चार्ज जब मूव करने लग जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाता है। दोनों फील्ड में डिफरेंस ये होता है कि जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। चार्ज के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या समझ में आ गई बात? अब अगर आपने एक करंट फ्लो करवा रहे हैं एक वायर में से, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है उस करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब अगर उस करंट कैरिंग वायर के पास एक दूसरा चार्ज लेके जाया जाए, एक और चार्ज हम लेके जाएं, तो उस चार्ज पे उस वायर की वजह से दो फोर्सेस एग्जर्ट होंगी। एक फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स होगी और दूसरी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। डिपेंड करता है कि वो कितने एंगल पे मूव कर रहा है। समझ में आ गई बात? अगर वो चार्ज के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वो करंट के सेम डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी मैक्सिमम, और अगर वो 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो दोनों ही फोर्सेस उस पर एग्जर्ट करती हैं। तो आप देखिए, आप ये जो दोनों फोर्सेस के एक्ट होने का फंडा है ये दिया था लॉरेंस ने। तो लॉरेंस ने क्या कहा कि जब भी कोई चार्ज किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मूव करता है तो हमेशा उस पर दो फोर्सेस एग्जर्ट करती हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो देखिए वायर, ठीक है, तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा वायर पे, फोर्स दैट फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर में लिखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होती है क्या, क्यू वी क्रॉस बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होती है, क्यू ई। ठीक है, दोनों में क्यू आपने कॉमन ले लिया, आपके पास वैल्यू आ गई वी क्रॉस बी प्लस ई, ये वैल्यू आपके पास आ गई किसकी, लॉरेंस फोर्स की। इसकी वेक्टर फॉर्म आपसे खूब पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, काफी इसकी वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि एक चार्ज जब मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री का, तो चार्ज का जो मोशन है वो कैसा होगा और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट इज डायरेक्शन एंड टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको, आपने चार्ज को एंटर किया तो दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा मींस एंगल बिटवीन वी एंड बी, मतलब चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भाई साहब कुछ ऐसा, और चार्ज, चार्ज जी ने जो डायरेक्शन लिया मूव करने का वो कुछ ऐसा, ये वेलोसिटी हो गई। अब सवाल ये है कि ये चार्ज जब मूव करेगा तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी और ये कैसा पाथ लेगा। तो उस पाथ को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया। तो लेफ्ट हैंड रूल जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में फोर फिंगर रखेंगे, जो चार्ज की वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में अपनी मिड फिंगर रखेंगे, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन करेगा, शो करेगा फोर्स का। तो देखिए,
फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव नहीं करेगा इस डायरेक्शन में, बल्कि एक कर्व पाथ ले लेगा, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा था, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी की वजह से जो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसके पास आएगी वो क्या आएगी, देखिए फोर्स लगी इस डायरेक्शन में किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, तो रिजल्टेंट उसको कहां मिल जाएगा, ये उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। तो यहां से यहां मूव कर जाएगा, फिर उसके बाद जब यहां गया तो यहां पे अगेन आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, फोर्स ये। तो देखिए चार्ज जहां ऐसे रहा था उस पर फोर्स इधर लगा, तो रिजल्टेंट कहां मिलेगा हमें, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं मिल जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पे आपने लगाया तो फोर्स यहां लगेगा, फिर फोर्स ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे चार्ज मूव करता हुआ एक सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। तो जब भी कोई चार्ज 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता है तो वो हमेशा उस चार्ज में एक सर्कुलर मोशन करने लग जाता है, जिसका रेडियस होगा क्या, आर। क्या समझ में आ गई बात, तो ये चीज हम लिख देते हैं, क्या चार्ज विल अटेन सर्कुलर पाथ पाथ ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर रेडियस आ गया। अब निकालते हैं टाइम पीरियड, कि इसका टाइम पीरियड होगा क्या, ठीक है। टाइम पीरियड निकालने से पहले हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, कि रेडियस कितना आएगा। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना आएगा, तो देखिए रेडियस कैसे निकाला जाएगा, इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगी और फोर्स की वजह से इसने सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया। ये चार्ज जो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास कौन सी फोर्स है, किसी भी सर्कुलर मोशन करती हुई चीज के पास होती है सेंट्रीपेटल फोर्स, लेकिन सवाल ये है कि इस चार्ज के पास वो सेंट्रीपेटल फोर्स आई कहाँ से है। तो वो जो सेंट्रीपेटल फोर्स इस चार्ज के पास आई है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स आई है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए वेलोसिटी से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड वी विच इज 90 डिग्री, एंड साइन 90 विल बी 1, सो क्यू बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर, सो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। नाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम पीरियड उसको लगा वो टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखिए टाइम पीरियड के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, अगर हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है दैट इज 2πr, और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी हो गई v हो गई स्पीड इसकी। अब देखिए हमने क्या निकाल लिया इसका 2πr, और v की वैल्यू यहां से रख दी हमने, v की वैल्यू रख दी, या फिर आप यहां से r की वैल्यू रख दीजिए, तो 2πr की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन वी, वी से वी कैंसिल, तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू जो आ गई दैट इज 2πm अपॉन क्यू बी। इट दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स
विद द एंगल 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड. 90 डिग्री बनाता हुआ जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसका टाइम पीरियड ये होगा. इसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे तो टाइम फ्रीक्वेंसी होती है टी इज इक्वल टू 1/f. फ्रीक्वेंसी टी इज इक्वल टू 1/f, तो ये 1/f इज इक्वल टू 2π एम अपॉन क्यू बी. सो एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2π एम. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये टाइम पीरियड आ गया, रेडियस आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गई एक सर्कुलर मोशन करते हुए चार्ज पार्टिकल के लिए. अब निकालते हैं हम कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री पे मूव ना कर रहा हो, किसी और एंगल पे मूव कर रहा हो तो क्या होगा. देखिए थीटा इज नॉट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज द सेकेंड पार्ट. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ और चार्ज पार्टिकल कुछ इस एंगल पे मूव कर रहा है, ये हो गई उसकी वेलोसिटी. तो ये जो एंगल हो गया, ये एंगल हो गया थीटा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में. अब सवाल ये है कि ये 90 डिग्री पे मूव नहीं कर रहा ना, ये 0 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. डायरेक्शन निकालने के लिए इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं. किसको, वेलोसिटी को. वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो एक डायरेक्शन ये आ जाएगा वी कॉस थीटा और एक डायरेक्शन ये आ जाएगा वी साइन थीटा. क्योंकि वी कॉस थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वहां पे तो फोर्स इसको जीरो लगेगी. मतलब जैसे ये मूव कर रहा था वी कॉस थीटा अनइफेक्टेड रहेगा, जैसे मूव कर रहा था वैसे मूव करता रहेगा, लेकिन वी साइन थीटा पे मैक्सिमम फोर्स इसको लगेगी. तो ये चार्ज पार्टिकल एक सेकंड के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे मूव किया. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चार्ज का डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज का डायरेक्शन हो गया. तो फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ. अंदर की तरफ मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल जो है वो एक कर्व पाथ लेके इस तरह से रिवॉल्व करने लग जाएगा, अपनी ही जगह पे इस तरह से रिवॉल्व करने लग जाएगा. ठीक है, लेकिन ये अगर एंगल से आया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि v cos थीटा इस चार्ज पार्टिकल को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और v sin थीटा इस चार्ज पार्टिकल को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा. अगर इस केसेस में आप ध्यान से देखो तो यहां v cos थीटा नहीं है, यहां पे v cos थीटा मौजूद ही नहीं है, तो वो चार्ज पार्टिकल अपनी ही जगह पे सर्कुलेट करने लगा था. ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे उसके पास v sin थीटा भी है, v cos थीटा भी है, तो v sin थीटा उसको सर्कुलेट करवाएगा और v cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा. इस कंडीशन में इस चार्ज पार्टिकल की सिचुएशन कैसे होने वाली है कि ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन करना शुरू कर देगा एंड दिस मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन. तो वाइवा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के एंटर नहीं कर रहा है तो वो कैसा पाथ अटेन करेगा, तो वो एक हेलिकल पाथ अटेन करेगा. क्या समझ में आ गई बात. टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो उस केस में निकाला था हमने. तो फिलहाल हम इसके लिए कुछ एक थ्योरी लिख देते हैं छोटे से. इफ ए चार्ज पार्टिकल विल एंटर विद एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री देन चार्ज विल स्टार्ट फॉलोइंग हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ फॉलो करने लग जाएगा. ये चार्ज पार्टिकल की खासियत है. ठीक है, तो आज लॉरेंस फोर्स पढ़ा हमने, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ा, हेलिकल मोशन में पढ़ा. अब हम कल पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, साइक्लोट्रॉन नहीं, कल वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ेंगे हम. वेलोसिटी सेलेक्टर और एक दो टॉपिक्स और हैं यहाँ पे, वो पढ़ेंगे हम. ठीक है.